आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि कल दिनांक 24/10/2024 को जन सुराज के द्वारा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी अपना नामांकन करने जा रहे हैं। तो इस नामांकन में मैं इमामगंज विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को सादर आमंत्रित करने के लिए ये प्रेस वार्ता कर रहा हूं और मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि आप इमामगंज विधानसभा में अगर जो बदलाव चाहते हैं, इमामगंज विधानसभा का विकास चाहते हैं, इमामगंज विधानसभा में हर तरह का जो है सुख सुविधा चाहते हैं, तो इमामगंज विधानसभा में बदलाव बहुत ज़रूरी है और इस बदलाव में आप अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए इस नामांकन समारोह में अपना बहुमूल्य समय देने का कष्ट जरूर करें। आपकी सीधी टक्कर किस पार्टी से रहेगी? यहाँ महागठबंधन के भी रोशन मांझी जी हैं और इधर से दीपा मांझी जी हैं और मांझी समाज का वोट भी लगभग सबसे ऊपर है, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? सर, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपने जो एक प्रश्न किया कि आपका सीधा टक्कर किसके साथ है, तो हम ये सोच करके कहीं मैदान में है ही नहीं कि मेरा इनके साथ लड़ाई है। हम बस इमामगंज के आम आवाम के बीच बस एक ही बात को लेकर के जा रहे हैं कि आज तक इमामगंज विधानसभा का विकास जीरो रहा। इमामगंज विधानसभा में किसी प्रकार का कोई विकास का कारण नहीं हो पाया, ना ही इमामगंज विधानसभा में जो है किसी प्रकार के स्वास्थ्य सुविधा जो है सुचारू ढंग का मुहैया हो पाया है, ना ही शिक्षा में कोई जो है सुधार हो पाया है, शिक्षा का कोई बहुत बड़ा संसाधन हमारे यहाँ है, ना ही किसानों के हित के लिए कोई जल संरक्षण की हमारे यहाँ व्यवस्था है, ना ही हमारे यहाँ रोजगार की कोई व्यवस्था है। तो विगत जो है 30 वर्षों से इमामगंज विधानसभा के लोग सिर्फ और सिर्फ से एक ही भरोसे पर जीते आए हैं कि जो है आज हमारा विकास होगा, आज हमारा विकास होगा, लेकिन जो भी लोग आए सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करते आए हैं। इमामगंज विधानसभा के आम आवाम से उनको कोई मतलब नहीं रहा है, इसीलिए आज प्रशांत किशोर जी को इमामगंज विधानसभा में जन स्वराज के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को अपना प्रत्याशी बनाए हैं। और मैं इमामगंज विधानसभा के तमाम लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह कर रहा हूँ कि आप अगर जो चाहते हैं कि इमामगंज विधानसभा में जल संरक्षण की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा में रेफरल हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था हो, इमामगंज विधानसभा के हर एक वैसे गांव जहां के बच्चे बच्चियां 4 महीना जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, उन गांवों में पुल पुलिया की व्यवस्था हो, तो आप एक बार जो है हमारे प्रशांत किशोर जी के ऊपर विश्वास करके देखिए, हमारे प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी के ऊपर विश्वास करके देखिए। और अगर जो मैं एक बात और इमामगंज विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर जो आज तक आपका ये भाई विश्वविद्यालय स्तर में जब से राजनीति शुरू किया है तब से अगर जो आज तक आपके हर एक सुख दुख में आपके साथ अगर जो कंधा से कंधा मिला करके खड़ा रहा है, तो अपने इस भाई के एक विश्वास पर एक बार जो है जितेंद्र पासवान जी को अपना जो है बहुमूल्य मत देने का प्रयास करें और इतना विश्वास जरूर ले रखें कि अगर जो इमामगंज में आप बदलाव करते हैं तो इमामगंज विधानसभा में एक नया बदलाव जो है सामने आएगा। मांझी जी बताते हैं सर कि 9 सालों में उन्होंने शांति व्यवस्था कायम रखा है पूरे इमामगंज विधानसभा में, विकास की बात तो बाद में करते हैं लेकिन 9 साल शांति व्यवस्था कायम रही, इस पर क्या करें? मैं बहुत कुछ तो माननीय को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि माननीय का शांति व्यवस्था इतना बढ़िया रहा है कि हर एक जो है इमामगंज विधानसभा के अंतर्गत जितने थाने हैं उन थानों में जाकर के जो है से इसका रिपोर्ट लेने का काम आप लोग करें कि आज तक कितनी शांति व्यवस्था उनके जो है कार्यकाल में रहा है, और विशेष मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।